कटहल के बीज की सब्जी उस शेयर करने चल रही हूँ। आप देखिए और अपने घरों में इसे ट्राई जरूर करिए। चलिए बनाते हैं फिर। ये देखिए, ये है कटहल का कुआ, यानी कटहल में जो नीचे बीज निकलती है उसके कुए, जब खाने के बाद पका हुआ कटहल खाने के बाद जो नीचे का बीज बच जाता है उसे अब छीलते हैं। छील के इसकी सब्जी बनती है रसेदार, जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे छीलते हैं, आगे इसको कैसे बनाते हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको छीलते हैं, छील के ऐसे निकालते हैं। ये देखिए ऐसे छील के, ये देखिए बीज है, अरे पिस्ते जैसा, कितना सुंदर है ना इसका बीज। इसको निकाल के इसकी बनाएंगे सब्जी, और इसको दाल में भी बनाते हैं। दाल में कटहल के बीज वाली दाल जो बनती है उसको लगदावा बोलते हैं, उसे आगे की वीडियो में कभी शेयर करूंगी। अभी तो मैं बनाने चल रही हूँ इसकी कोए की रसेदार। गैस जला दिया मैंने, पांच प्याज हैं पीस लिया है, और वो टमाटर पीस लिया है। ये पांच प्याज के साथ छोटा 1 इंच अदरक, लहसुन और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाला है। ये 4 आलू काट लिया है, और ये है कोआ जो आपको अभी दिखाया था, ये कटहल के कोए का बीज। अब इसकी सब्जी आज मैं बनाया, क्योंकि कोया के बीज कम था इसलिए मैं 4 आलू डाल रही हूँ। सिर्फ बीज के ही आप बना सकते हैं। ये मैंने कुकर में तेल डाल दिया, अपने टेस्ट के तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है टमाटर, टमाटर में ही मैं मसाले मिला रही हूँ। आप चाहें तो जब प्याज हो जाए उसके बाद उसमें मसाले मिला सकते हैं। ये इसमें मैं हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, इसके अलावा थोड़ी सी सब्जी मसाला, सब्जी मसाला के साथ में हल्का सा गरम मसाला आप डाल सकते हैं, चाहे तो लास्ट में डालें। इस तरह मैं मिला दिया। अब जीरा डाल दिया इसमें, इसमें अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज का पेस्ट डाल दिया। ये अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज जब तेल छोड़ दे उसके बाद इसमें टमाटर की ग्रेवी मसाले वाली उसको डाल के इसमें मिलाएं, इसको अच्छी तरह पहले भून लें। देखिए बिल्कुल अलग होने लग गया। अब ये टमाटर और मसाले का जो पेस्ट है उसको हम डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च डालना पहले भूल गई थी, मैंने बाद में डाला। ये देखिए अब ये लगभग भुन गया है, हल्का सा बाकी है, थोड़ा और थोड़ी देर भुने जिससे तेल अलग होने लग जाए। इसको कम से कम 3 से 4 बार भुने जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए, तेल अलग हो जाए। यदि आप टमाटर में मसाले डाले हैं उसको थोड़ा ज़्यादा भुनना पड़ेगा, इसलिए कि मसाला फिर नहीं तो कच्चा भी रह सकता है। और यदि प्याज हो जाए उसके बाद मसाले भून लें फिर टमाटर डालें तो कभी भी कच्चा रहने का चांस नहीं रहता है। इस टमाटर को खूब अच्छे से भुनें। देखिए भुनने के बाद ये जैसे ही तेल अलग हो जाए इसके बाद कोए के बीज उसमें डाल दें। देखिए कुकर छोड़ने लग गया है, अब ये कोए का बीज डाल दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा भून लें। ये बहुत ही टेस्टी, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना। मैं आलू डाल रही हूँ क्योंकि मेरे कम पड़ रहा था। आप लोग इसमें आलू नहीं डालेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। आपकी ज़रूरत है, बच्चों को आलू पसंद होता है इसलिए आलू डालना पड़ता है। देखिए इसको आलू डाल के भी साथ में भून लिया थोड़ी देर तक,
क्योंकि कोए के बीज पानी खूब सोखते हैं, और यदि कोए का बीज एक दो दिन सूख गया हो तो और ज़्यादा पानी ये सोखते हैं। कुकर में इसलिए भी कि कुकर में अच्छे से पक जाएगा, कुकर में ही बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैंने नमक डाल दिया, इसमें एक से डेढ़ चम्मच नमक गया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा आप सब्जी बना रहे हो उसके हिसाब से आप डालें, और इसको फिर से मिलाएं, अच्छे से मिलाएं। खूब बढ़िया से भुने। अब देखिए लगभग ये भुन गया है। अब इसमें पानी डाल दें। पानी जितना आपको लग रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालें, इसलिए कि खोआ पकने में थोड़ा टाइम लेता है। इसको सीटी कम से कम 5 से 7 सीटी, इसको अगर धीमी आंच पर कर रहे हैं तो 4 से 5 सीटी कम से कम इसको लगानी पड़ेगी। इसमें जो हरा हरा दिख रहा है 2-4 पत्ती धनिया की थी मैंने डाल दिया, ये आप बाद में डालें, क्योंकि ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने पहले ही उसको थोड़ा सा डाल दिया। अब ये कम से कम मैं दिला रही हूँ 7 सीटी, क्योंकि ये तेज़ आंच पे है इसलिए। देखिए पक गया है, इसको आइए सर्व कर लेते हैं। तो सीटी निकल जाने के बाद खोल लिया और इसको सर्व कर रहे हैं। देखिए कितना टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। आप धनिया पत्ती से सजाएं, आप चाहें तो थोड़ा सा घी इसमें पूरी सब्जी में हल्का सा मिला सकते हैं ऊपर से। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। आप लोग प्लीज़ बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत